हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के सामने क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लाए हैं, जिसे नाम है क्या बाबू लोग, एसटीडी रोग से आप कैसे बच सकते हैं, उस बचने का उपाय को लाए हैं। और अगला पॉइंट एसटीडी रोग की जो जांच होती है, उस जांच के बारे में जानने वाले हैं, कितने तरीका के जांच होते हैं बाबू लोग और कहां पे किया जाता है बाबू लोग। तो क्या एसटीडी माने आप जानते होंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो सेक्स करने से फैलता है उसी को ही क्या कहते हैं, एसटीडी रोग कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। लैंगिक संचारित रोग है क्या, तो ये पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं बाबू लोग। आप नहीं देखी वीडियो को तो जाकर देख लीजिए, तो और अच्छे से समझ में आएगा और आपका बोर्ड्स एग्जाम वाला नंबर भी क्लियर हो जाएगा। तो ये भी आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में बनते होंगे। तो चलते हैं बिना लेट किए आगे की ओर। लिखा गया क्या, एसटीडी के संपर्क में आने से बचने के लिए, हाँ करा क्या, इससे बचने के लिए, तो उससे बचने के लिए, तो हाँ बाबू लोग एसटीडी से बचने के लिए, तो क्या एसटीडी के संपर्क में आने से बचने के लिए उपाय लाए हैं बाबू लोग। क्या कि कैसे आप एसटीडी रोग से बच सकते हैं, तो पहला उपाय है किसी अनजान व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। कह रहा क्या, पहला पॉइंट एकदम सिंपल भाषा में बोला गया बाबू लोग कि किसी अनजान व्यक्ति से जिसे पहचान नहीं है और मौका दे दी, तो मौका के तलाश आप फायदा ना उठा लीजिएगा। फायदा उठाने के चक्कर में आप रोग से ग्रसित ना हो जाए। तो बाबू लोग किसी अनजान व्यक्ति या आप किसी बहुत सारे व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखना चाहिए। माने कोई लड़की होती है जो बहुत सारे लड़कों से संबंध रखता है यौन संबंध, कुछ लड़का भी होते हैं जो बहुत सारे लड़कियों से संबंध रखता है, तो वैसा व्यक्ति एसटीडी रोग से ग्रसित हो सकते हैं बाबू लोग। बात समझ में आया कि पहला उपाय था कि एकांत व्यक्ति से ही स्पेशल रखें, अपना जो यार हो, जो अपना स्पेशल व्यक्ति हो, उससे रख सकते हैं आप संबंध। अगला बात है मैथुन किस्म है, क्वाइटस किस्म है, सेक्स करने किस्म है, सदैव कॉन्डोम का इस्तेमाल करें बोलो। जब भी आप सेक्स करना चालू करते हैं, जब भी आप मैथुन करना चालू करते हैं, तो आप उस समय कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। यदि पुरुष हो तब बाबू लोग कॉन्डोम का इस्तेमाल करने से रोग का स्थानांतरण नहीं होता, एसटीडी रोग का स्थानांतरण नहीं होता। तीसरा उपाय, दो उपाय बहुत ही अच्छा उपाय था। पहला उपाय क्या था कि किसी अनजान व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों के साथ यौन संबंध नहीं रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि मैथुन के समय, क्वाइटस के समय, सेक्स करने के समय सदैव आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। तीसरा पॉइंट है बाबू लोग, यदि कोई मानिए कि ये दोनों उपाय अपनाइएगा तो आप में होने की संभावना बहुत ही कम है। अगला पॉइंट क्या कि यदि कोई आशंका है तो मानिए लग रहा है कि उसके साथ सेक्स क्रीम लग रहा हो, ऐसा ग्रसित नियन लग रहा है कि एसटीडी रोग हो चुका है, तो यदि आप, यदि कोई आशंका है तो, यदि आपको कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए, शुरुआती जो जांच होता है वो जांच के लिए किसी योग्य मने अनुभवी डॉक्टर से, कौन सा डॉक्टर से बाबू, किसी योग्य मने होता है अनुभवी डॉक्टर से मिले, अनुभवी डॉक्टर से मिले और रोग का पता चल जाता है, तो रोग के पता चलते ही उसका पूरा इलाज कराएं, ढंग से कराएं इलाज। पता समझ में आया कि यदि हो गया सर जी, लग रहा है शंका सब लग रहा है आपको, तो यदि कोई आंश का है, लग रहा है कि हो गया है एसटीडी रोग, तो आशंका है तो तुरंत इसका जांच करवाइए और जांच कराने के बाद अनुभवी डॉक्टर से मिलिए। अनुभवी डॉक्टर से मिलने के बाद यदि रोग का पता चल जाता है तो उसका ढंग से इलाज करवाइए। तो ये तीन उपाय था, कितना उपाय, तीन उपाय, जो बहुत ही सिंपल उपाय था। पहला उपाय किसी अनजान व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों के साथ यौन संबंध, सेक्स रिलेशन नहीं रखना चाहिए। अगला बात कि मैं तो उनके समय सेक्स करने के वक्त कंडोम का इस्तेमाल करें। तीसरा पॉइंट कि बाबू लोग यदि आपका कोई आशंका है, कोई शक लग रहा है कि हमारे लग रहा है कि हो गया है और कुछ लग रहा हो ऐसा लक्षण, तो आप जाके शुरुआती हुई जो जांच होता है, जो टेस्ट कराया जाता है, वो टेस्ट कराकर आप अनुभवी डॉक्टर से मिलिए। अनुभवी डॉक्टर से मिलने के बाद यदि रोग का भी पता चल जाता है तो उस रोग का सही ढंग से इलाज करवाइए, न तो आगे चल के बहुत ही दिक्कत हो जाएगा आपको।
आगे देखते हैं स्टडी की जांच क्या कहा डायग्नोसिस ऑफ स्टडीज करा क्या स्टडी की जांच VDRL में किया जाता है। कहां पे किया जाता है VDRL कहां पे VDRL यौन रोग रिसर्च परीक्षालय में किया जाता है। कहां पे किया जाता है बोलो यौन रोग रिसर्च परीक्षालय तो VDRL में किया जाता है। इसका फुल फॉर्म निकालिएगा तो वही आएगा हिंदी में। आगे देखिए पहला जांच किया तो माइक्रोस्कोप की सहायता से कि विशेष रंजक कौन हो गया रंजक माने आपका थूक हो गया आपका मूत्र हो गया आपका लार हो गया इसकी सहायता से आपको ये सारे रोगों का पता लगा सकता है। कौन कौन से सर जी माइक्रोस्कोप में विशेष रंजक के द्वारा विशेष माने जैसे लार हो गया थूक हो गया मूत्र हो गया ब्लड हो गया इन सभी की सहायता से आपका ये रोग का जांच किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट आपका डीएनए का हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा डीएनए हाइब्रिडाइजेशन मेथड के द्वारा भी ये रोग का पता लगाया जा सकता है। तो दो दो जांच आप पढ़ लिए पहला जांच माइक्रोस्कोप में विशेष रंजक के द्वारा और दूसरा पॉइंट डीएनए के हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा आगे पढ़ना है चैप्टर में बाबू लोग ठीक है पांचवा सिक्स लेसन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब आगे देखिए ये भी मेथड पढ़ना आगे चल के पीसीआर तो पीसीआर को फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन इसके द्वारा भी किया जाता है पीसीआर के द्वारा पहला बाब लोग क्या कि माइक्रोस्कोप में विशेष रंजक द्वारा और दूसरा क्या था क्या डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा किसके द्वारा डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा किया जा सकता है और तीसरा का पीसीआर के द्वारा किया जा सकता है और चौथा जो है बाबू वो विशेष प्रकार के एक स्पेशल एंटीजन एंटीबॉडी की जांच एलिसा टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से एलिसा टेस्ट आपका एक नंबर एकदम फिक्स आया हुआ है कि एड्स रोग का जो जांच होता है वो कौन सा टेस्ट के माध्यम से होता है तो आप आंसर में मारिएगा एलिसा टेस्ट के माध्यम से एड्स रोग का पता लगाया जाता है बाबू। और जो आप में टाइफाइड जो फीवर होता है जो बुखार होता है टाइफाइड वाला वो टाइफाइड बुखार विडाल टेस्ट के माध्यम से VIDAL TEST विडाल टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। तो यदि आपका टाइफाइड फीवर है तो बाबू लोग यदि टाइफाइड बुखार है आप में तो विडाल टेस्ट करा सकते हैं। इस विडाल टेस्ट के माध्यम से इस रोग का पता लगाया जाता है। और एड्स रोग यदि एड्स रोग हो या स्टडी रोग मानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कोई भी हो किसी प्रकार की 20 प्रकार तो होता बाबू तो वो 20 प्रकार में से कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी है तो आप एलिसा टेस्ट के माध्यम से स्पेशल एंटीजन एंड एंटीबॉडी की पहचान कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव आया हुआ ये दोनों ऑब्जेक्टिव आया हुआ बाबू स्टार पॉइंट करके या नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि विडाल टेस्ट के माध्यम से टाइफाइड फीवर को चेक किया जाता है और एलिसा टेस्ट के माध्यम से एड्स रोग का पता लगाया जाता है। तो ये स्टडी की जांच आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रोस्कोप में विशेष रंजक के द्वारा दूसरा का डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा और तीसरा का पीसीआर माने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा और चौथा वाला पॉइंट बोलो कि विशेष प्रकार स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन होते हैं या एंटीबॉडी की जांच एलिसा टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। एलिसा टेस्ट स्पेशल एड्स के लिए भी किया जाता है बोलू और विडाल टेस्ट टाइफाइड बुखार के लिए किया जाता है। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव आया हुआ है इसलिए हम डाल दिए यहाँ पे। तो बाबू हमको पूर्ण विश्वास है कि ये जो टॉपिक आज हम लाए थे ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका है। यदि समझ में आ चुका है तो आप हंसी खुशी से आप क्या चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि अगले वीडियो में मिलते आपके लिए। जय हिंद जय भारत।